नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस मॉड्यूल में। और ये मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने गूगल सर्च कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो आपके बिल्कुल कुछ गोल्स होंगे, और सवाल ये है कि आप उन गोल्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से रोज़ और कॉलम्स हैं जिसपे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जिसपे आपको खासा ध्यान देना चाहिए, जो आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने में एक बड़ा मदद कर सकती है। हम इंपॉर्टेंट KPIs और डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और सवाल बिल्कुल सीधा है, जो चीज़ जो अगर आप गूगल सर्च कैंपेन कर रहे हैं तो सवाल है कि आप गोल्स को मीट कर पा रहे हैं कि आप नहीं मीट कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक वीडियो की तरफ, जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमने इस मॉड्यूल को अपने कोर्स में कवर किया है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। हमने काफी सारी टेक्निक्स के बारे में जाना जिससे आप गूगल एड्स सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, यूट्यूब कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। ये एक बहुत प्रोफेशनल रिपोर्ट है जो हम क्लाइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इफ आई स्टार्ट, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, सो आप देख लीजिए ये सब टेबल ऑफ कॉन्टेंट है। सो ये वो कॉन्टेंट है जो हम क्लाइंट को आप प्रेजेंटेशन के रूप में हम दिखाते हैं, जिसमें वी डू लॉट ऑफ एनालिसिस, हम काफी एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे एक एड अकाउंट का है। सो हमारे पास काफी सारे एड अकाउंट्स हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क पे हमने कितना पैसा खर्च किया है, थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है। और आप इंप्रेशन शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना इंप्रेशन हमको मिल रहा है, कितना विजिबिलिटी हमारे एड्स को मिल रहा है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसा कि हमने सेशन में देखा जब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कैंपेन को। तो कीवर्ड एनालिसिस कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स आपके लिए क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा क्वालिटी स्कोर आपके कैंपेन को और अच्छा बनाता है, आपका एड रैंक इंप्रूव होता है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपका कम होता है। और कुछ टिप्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो लैंडिंग पेज के बारे में बात कर रहे हैं, एड रिलेवेंस और एक्सपेक्टेड CTR। सो मेरे सेशंस में आपने बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट KPIs हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल जानना होगा। नेक्स्ट, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एड रिलेवेंसी है, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कितना है और कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। सो ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन सी कितना पैसा आ रहा है, कीवर्ड मैच टाइप्स का एनालिसिस है, कौन से कीवर्ड मैच टाइप्स हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ये तमाम एनालिसिस हम कर रहे हैं। और इससे हमको रणनीति बनाना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि हम किस तरीके से कैंपेन को बेहतर और बेहतर बना सके। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पैसा कौन सा कैंपेन में खर्च हो रहा है, दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया। सो आप देख सकते हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल लर्न, हम काफी सारी चीजें और सीखने वाले हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि अभी तक जैसा कि मैं ऑडिट के बारे में बात कर रहा था, गूगल एड्स के बारे में बात कर रहा था मेरे प्रीवियस वीडियोज में, ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको काफी सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल बताता है। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू मेक पॉइंटर्स, और दिए हुए सेशंस में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उसको इंप्लीमेंट बिल्कुल करना चालू कर दीजिए।